ये गोमती नदी का किनारा है। लखनऊ में लक्ष्मण झूला स्थान है, बहुत ही पावन स्थान है। देखिए प्रशासन की तरफ से बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है आज छठ पूजा के उपलक्ष्य में। और यहाँ मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आएंगे। देखिए ये हमारी गोमती नदी पवित्र नदी है और गोमती नदी के तट पर छठ पूजा का प्रोग्राम किया जा रहा है आज। देखिए ये बैरिकेडिंग है। इसके बाद खतरे का निशान समझिए, क्योंकि इसके बाद जो है गोमती नदी बहुत गहरी हो जाती है और जन सामान्य के लिए सही नहीं है। देखिए ये हमारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत ही अभी यहाँ पे भीड़ होने वाली है, कम से कम 200,000 यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे। पुलिस प्रशासन भी बहुत सख्ती से लगा हुआ है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत औचक क्लास की हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए लखनऊ का ये पवित्र लक्ष्मण झूला बोलते हैं, गोमती नदी के तट है और इसके उस पार गमती नगर, इधर हसनगंज पड़ता है। यूनिवर्सिटी के बगल में ही है पुलिस लाइन, यहाँ से मुश्किल 4 किलोमीटर है। देखिए मीडिया के लोग भी आ चुके हैं और पूरे कार्यक्रम को बहुत ही संजीदगी से कवर किया जाएगा। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। अभी श्रद्धालुओं को आना शुरू हुआ है। मैं तो यहाँ की औचक व्यवस्था को आप से वाकिफ कराना चाह रहा था। आप देखेंगे तो एक बेहतरीन लुक है यहाँ का और साफ सफाई विशेष तौर से। देखिए कहीं भी आप नदी में भी देख लीजिए, नदी में भी बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नदियों को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ही सीरियस लिया है। कोई भी व्यक्ति देखे, हमारे नागरिक अच्छे होंगे तो हमारा प्रगति भी अच्छी होगी। और बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए आज गोमती देखने लायक है। और किसी ज़माने में यहाँ बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत सारे श्रद्धालु आने लगे हैं और अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ढेर सारे स्टॉल, और मेला भी लगता है यहाँ पे। देखिए जन भावना कैटर्स इवेंट। देखिए ये देखिए आप देखेंगे बहुत ही रमणीय स्थल है ये। यहाँ आने के उपरांत आपको लगेगा ही नहीं कि आप लखनऊ में हैं, ऐसा लग रहा कि आप हरिद्वार में हैं। और ये बहुत बेहतरीन नज़ारा देखिए। छठ पूजा के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं सब। और हमारे देश की ये परंपरा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। पूरे प्रोग्राम को कवर किया जाएगा। बहुत ही रमणीय स्थल है। आप देखेंगे मैं नदी के बिल्कुल किनारे जा रहा हूँ और आप देखेंगे तो कहीं भी कोई गोमती नदी में कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरी नदी है और गौरवान्वित में छोटे हम लोग ये देख के देखिए बोटिंग भी लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे ये देखिए बोटिंग भी कर रहे हैं और दूर दूर तक आप देखिए नदी में कहीं भी कोई प्रदूषण नहीं है। पूजा अर्चना इतना होने के बावजूद भी एक भी फूल आपको नदी में नहीं मिलेगा। हमारे देशवासी बहुत ही खासकर हम लखनऊ वासियों को कहेंगे कि उन्होंने बहुत ही संजीदगी से गोमती नदी माता का सम्मान किया है और हमारे देश में नदियों को माँ के समान ही आदर मिलता है। और देखेंगे बेहतरीन जगह है और ये हजरतगंज से बमुश्किल 2 किलोमीटर है। श्रद्धालु आने लगे हैं। आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।